Hello friends, I am back with another video explanation, another video lecture, and in this video I'll be introducing the chapter business environment to you. चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा business environment हमारा chapter number 3 है business studies का. तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भाई environment क्या होता है. What is environment? पूरे 11th भर में आपने जाना कि बिजनेस क्या होता है. व्हाट इज बिजनेस? यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस है. बिजनेस में हम खरीद बिक्री करते हैं सामान का, सामान को बेचते हैं, सामान को खरीदते हैं, सर्विसेज को बेचते हैं, सर्विसेज को खरीदते हैं, ये सब बिजनेस के अंदर में आता है, हमने पढ़ा. अब हमको जानना है कि एनवायरमेंट क्या होता है. व्हाट इज एनवायरमेंट? व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एनवायरमेंट? जब आप बच्चे थे, 6th-7th क्लास में थे, तो आपने जरूर पढ़ा होगा एनवायरमेंट क्या होता है. हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं एनवायरमेंट के अंतर्गत आती हैं. जो हवा है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारा घर है, हमारा परिवार, वो सब हमारा एनवायरमेंट है. आपने सुना होगा क्लास में आपके टीचर कहते हैं कि इसका एनवायरमेंट ख़राब हो गया है, ये फलना लड़का है, ये आजकल गलत दिशा में जा रहा है, इसका एनवायरमेंट ख़राब हो गया है. तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन चीज़ों के साथ हम रहते हैं, वो सब कुछ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पर हमको बिजनेस और एनवायरमेंट दोनों को मिला देना है. बिजनेस को हमने 11th में पढ़ा, एनवायरमेंट को हम बच्चे से पढ़ते आए हैं. तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि बिजनेस और एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है. तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद विच द बिजनेस हैज़ टू डील विद टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इस कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट. द फोर्सेस जो बल हैं, द फैक्टर्स जो चीज़ें हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, जो सोसाइटी के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, विथ विच द बिजनेस हैज टू डील विथ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इस कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट. देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट बहुत इजी चैप्टर है आपके इस पूरे किताब का. एक बिजनेस को जहाँ पर काम करना पड़ता है अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए, उस जगह को अपन बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट. जैसे एक बिजनेस जो है वो समाज में काम करता है, ठीक है, किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट होता है. हो सकता है आपके पापा कलकत्ता में बिजनेस करते हैं और किसी के पापा दिल्ली में बिजनेस करते हैं. तो वो जो प्लेस है जिन जहाँ पर वो बिजनेस करते हैं वो प्लेस एक फैक्टर हुआ. उसी तरह जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी बिजनेस पे इफेक्ट करता है. मतलब जो जो चीज़ें बिजनेस पर इफेक्ट रखती हैं वो सारी बिजनेस एनवायरमेंट के अंतर्गत आ सकती हैं. जैसे अभी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया RBI वगैरह का, डीमोनेटाइजेशन हो गया. तो ये इस पर बिजनेस का, बिजनेस पर इसका इफेक्ट हुआ, बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है. कॉम्पिटिटर्स, इवन कॉम्पिटिटर्स भी बिजनेस एनवायरमेंट के पार्ट हैं. जो कॉम्पिटिटर का एक्शन होता है वो भी बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट होता है. आगे हम पढ़ेंगे. बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है जिस एनवायरमेंट में, जिस पर्यावरण में बिजनेस काम करे उसको अपन बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं. बिजनेस और एनवायरमेंट दोनों को मिला दीजिए, बन गया बिजनेस एनवायरमेंट. मतलब जिस पर्यावरण में, जिस आसपास में, जिस क्षेत्र में बिजनेस काम करे, जिस चीज़ पर बिजनेस का प्रभाव हो, वो हुआ बिजनेस एनवायरमेंट. अब जैसे प्रभाव की बात है, अभी गर्मी है तो उस हिसाब से मैंने कॉटन शर्ट पहना हुआ है जिसमें कम गर्मी लगे, वही जारा आ जाएगा. एनवायरमेंट चेंज हुआ, जारा आ गया, मैंने ब्लेजर्स पहन लिया, स्वेटर्स पहन लिया, हुडीज पहन लिया, तो ये क्या है, एनवायरमेंट के हिसाब से मुझे चेंज होना पड़ा. वैसे ही बिजनेस को भी एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है. तो जो फैक्टर्स, फोर्सेस बिजनेस के एक्टिविटीज़ को चेंज करें वो भी एनवायरमेंट, जहाँ पर बिजनेस काम कर रहा है वो भी एनवायरमेंट. तो ये एक सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन है. उसके बाद में आप पढ़ना है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस के एनवायरमेंट का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर. सबसे पहला फीचर जो आता है वो है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहला पॉइंट आया ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो आते हैं बिजनेस एनवायरमेंट में. ऑल का मतलब आपको पता है, द एक आर्टिकल, एक्सटर्नल फोर्सेस,
एक्सटर्नल फोर्सेस को थोड़ा सा समझना है। देखिए फोर्सेस में एक्सटर्नल, पहले तो आप ये समझिए एक्सटर्नल, दो तरह के फोर्सेस होते हैं बिजनेस में, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस का मैनेजर कोई डिसीजन लेता है वो इंटरनल फोर्स है, बिजनेस का ओनर कोई डिसीजन लेता है वो इंटरनल फोर्स है। बिजनेस के जो भी अंदर के लोग हैं, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो जो भी हो, बिजनेस के जो लोग हैं, बिजनेस के अंदर जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो सारी जो चीज़ें करती हैं वो होती हैं इंटरनल चीज़ें। वो सारे फोर्सेस जो हैं वो हैं इंटरनल फोर्सेस। और जो भी बाहर की चीज़ें हैं, है ना, पोटेंशियल इन्वेस्टर की, कॉम्पिटिटर की, गवर्नमेंट की, मार्केट की, वो सारी होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इसमें इसमें आ गए गवर्नमेंट, इसमें आ गए कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद इसमें आ गए बायर्स कस्टमर्स, इसमें आ गए बायर्स या कस्टमर्स, मतलब जो भी लोग बाहर के हैं, जो भी लोग एक्सटर्नल हैं, जिनका कुछ इफेक्ट है, जिनका कुछ प्रभाव पड़ सकता है हमारे बिजनेस पर, वो हुए एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस का स्टडी है, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, ये इसका पहला नेचर है। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो तरह के फोर्सेस मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, है ना, जैसे अंदर के हैं तो इंटरनल, बाहर के हैं तो एक्सटर्नल। और अब ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट है ना, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ लीजिएगा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसमें हम किसको पढ़ेंगे, स्पेसिफिक को या फिर जनरल को, स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस। देखिए स्पेसिफिक मतलब हुआ स्पेशल, जो किसी हिंदी अपने लिखते हैं, मतलब इफेक्ट ऑन सिंगल बिजनेस, इसका हो गया इफेक्ट ऑन बिजनेस क्लास सोसाइटी। देखिए स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस, इसका सेकेंड पॉइंट हमको पता चला कि स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जनरल फोर्सेस भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल तो है ही, एक्सटर्नल में भी दो तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, क्या तो स्पेसिफिक होंगे या जनरल होंगे। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस मतलब इफेक्ट ऑन सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिर्फ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट हो। जैसे कि सपोज करते हैं एक ABC लिमिटेड नाम की एक फर्म है, सपोज करते हैं ABC फर्म एक कम एक शॉप है, इसका एक बहुत अच्छा सेल्समैन था रामू, ठीक है, रामू इसका एक बहुत अच्छा सेल्समैन था, और रामू की सपोज करते हैं डेथ हो गई, भगवान ना करे, लेकिन रामू की डेथ हो गई। तो ये जो फोर्स है इसका, ये एक इंटरनल फोर्स है, इसका इफेक्ट सिर्फ ABC फर्म पे पड़ेगा या पूरे भारत के फर्म पे पड़ेगी या पूरे सीतामढ़ी, पूरे दिल्ली, पूरे मुंबई की फर्म पे पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब ABC फर्म का एक बेस्ट जो एम्प्लॉय था, बेस्ट जो स्टाफ था, बेस्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा था वो था रामू, बहुत माल बेचता था, बहुत प्रोडक्ट बेचता था, और इसकी अचानक डेथ हो गई, तो इसका इफेक्ट सिर्फ ABC फर्म पे पड़ेगा। इसीलिए ये क्या है कि स्पेसिफिक फोर्स है, ये सिर्फ एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशल फर्म को इफेक्ट करता है, दैट्स वाई इट्स अ स्पेसिफिक फोर्स, इट्स अ इंटरनल स्पेसिफिक फोर्स और इट्स अ स्पेसिफिक इंटरनल फोर्स, यू कैन से। और सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने अभी टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, टैक्स स्ट्रक्चर ला दिया GST का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का गवर्नमेंट ने प्रोविजन ला दिया कि भाई अब जो साधारण तरह के कर लगते थे वो नहीं लगेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे, अब उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले में एक ही टैक्स गवर्नमेंट लेगी और उस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये क्या सिर्फ एक फॉर्म पे इफेक्ट करेगा, क्या ये सिर्फ ABC फॉर्म पे इफेक्ट करेगा? जो GST है ये GST क्या सिर्फ ABC फॉर्म पे इफेक्ट करेगा? नहीं,
ये जीएसटी जो है वो इंडिया में ऑपरेशनल जितने भी फॉर्म्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन पर इस जीएसटी का इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है, ये है एक जनरल फोर्स, ये है एक जनरल एक्सटर्नल फोर्स। गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज करना, दिस इज अ जनरल एक्सटर्नल फोर्स। तो यही डिफरेंस है, ये इसका सेकंड नेचर है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, जिसका इफेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन पे हो। जनरल मतलब ऐसा जिसका इफेक्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन पे हो। अब सारे का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जीएसटी एग्जांपल दिया तो सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन। आप सपोज करते हैं कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऐसा भी कोई इफेक्ट है जिसका सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट है, तो वो भी जो है वो जनरल फोर्सेस के तहत आएगा। वो आप स्पेसिफिक में नहीं रखेंगे, वो आप रखेंगे जनरल में, जनरल ही कैटेगरी में, कि एक ही तरह के सारे ऑर्गेनाइजेशन पर उसका इफेक्ट है। तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द जनरल फोर्सेस कैटेगरी। तो दो हमने पढ़ा, अब हम अपने तीसरे की तरफ मूव करते हैं। वी आर स्टेपिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, द थर्ड ऑप्शन। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है इंटर रिलेशनशिप। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटर रिलेशन। बहुत सही बात है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस का एनवायरनमेंट के बारे में। तो कोई एक चेंज सपोज करते हैं कि होता है सोसाइटी में, सपोज देयर इज अ सिंगल चेंज इन द सोसाइटी, उसके वजह से बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका एक जनरल किसी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, बल्कि वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है। सपोज करते हैं कि जीएसटी आ रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना है हमारे टैक्स सिस्टम में, हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में। अब देखिए, इससे टैक्स सिस्टम डिस्टर्ब हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली, तो गवर्नमेंट ने चेंज किया, उसके हिसाब से फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज किया, उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन भी बदल जाएगी, है ना। ट्रांसपोर्टेशन की जो बिलिंग प्रक्रिया थी वो सब बदल जाएगी, अकाउंटिंग बदल जाएगी। पहले अकाउंटिंग अलग तरह से होती थी, अब अकाउंटिंग अलग तरह से होगी। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है, तो उसके हिसाब से हमको अपना प्रोडक्शन बदलना पड़ता है, अपना पॉलिसीज बदलनी पड़ती है। तो सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इफेक्टेड होता है। चौथा है अनसर्टेनिटी, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, अनसर्टेन है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब हुआ अनिश्चितता, ये निश्चित नहीं है कि क्या होगा, दिस इज नॉट सर्टेन। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट सर्टेन है क्या, अभी धूप है, कब वर्षा हो जाएगी आपको पता है क्या, बाहर नहीं पता है। इन्वायरमेंट कब बदल जाएगा नहीं पता है। अभी वेस्ट टू ईस्ट हवा बह रही है, कब ईस्ट टू वेस्ट बहने लगी पता है क्या, नहीं पता है। अभी कौन से फैशन है आने वाले समय में, कौन सा फैशन हो जाएगा नहीं पता है। तो ये सब जो है वो डायनेमिक है, अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो एस्टिमेशन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि अभी ऐसा है तो अंदाज है कि 2 महीने में 3 महीने में ऐसा होने वाला है, या जीएसटी आने वाला है। तो जो स्कॉलर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग अपना अपना एस्टिमेशन देते हैं, तो कि जीएसटी आएगा तो एक बार धक्का लगेगा इकॉनमी को, फिर इकॉनमी बहुत बूम पोजिशन पर चल जाएगी, तो वो एस्टिमेशन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल है। चौथा है डायनेमिक, जो चौथा पॉइंट है वो है डायनेमिक। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि बिजनेस जो है, मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस को डायनेमिक बनाता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट से वो हाथ से हाथ मिला के चल सके, डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट कर सके। इसीलिए हम बिजनेस को भी डायनेमिक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। अभी मैंने बताया कि अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है,
तो जो भी चीज़ें अनसर्टेन हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो क्या है, वो बदलती रहेंगी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बदलती रहेंगी। अभी तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, दिस ड्यूटी, डैट ड्यूटी यूज़ करते थे, आगे आके GST यूज़ करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या है, डायनेमिक है, पहले कुछ था अभी कुछ हो गया, अभी कुछ है पहले कुछ था। टैक्स की बात हटाइए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती है, या फिर सपोज करते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कौन से दिन कौन सा दुकान खुलेगा, ये आपको पता है क्या? आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, आपके भाई नहीं, आपके बगल में आपकी ही जैसी सेम दुकान खोल दी, तो ऑब्वियसली आपका सेल इफेक्ट करेगा। तो ये डायनेमिक है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, वो बदलता रहता है, चेंज, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार वो बदलता रहता है। ये बहुत बड़ी इश्यू है उसके साथ, बिजनेस इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होगा तो लोग उसको बहुत अच्छे से स्टडी करके उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन अभी वो फिक्स नहीं है, डायनेमिक है, इसलिए स्कॉलर्स जो है वो एस्टिमेशन करते हैं और अपॉर्चुनिटी बेनिफिट उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। अगला जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली। अब ये देखिए सारी कोरोलरीज आ रही है ना, चौथा जो है वो है कॉम्प्लेक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, चूंकि बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है इसलिए डायनेमिक है, चूंकि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है इसलिए कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, एकदम फिक्स्ड रहता भाई, आपके बगल में कोई दुकान नहीं खुलेगी, आप ही सिंगल सेलर सिंगल परचेजर वाली कहानी अगर रहती तो कोई उसमें कॉम्प्लेक्स होने का सवाल नहीं था, वो बहुत सिंपल होता, लेकिन चूंकि वो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, डायनेमिक है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। कब क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है, बहुत लचीला है, घुमावदार है, कंफ्यूजिंग है। आपके पापा मम्मी कोई बिजनेस में होंगे तो देखते होंगे कि अरे बाप रे कितना प्रेशर है, आज रुपया कलेक्शन कराना है, क्रेडिट पे माल बेचना है, बिल बुक छपवाना है, बगल में कॉम्पिटिटर ने ये स्कीम लागू कर दी तो हमने ये ऑफर देना है, ये हमारा AC खराब है, अभी हमको ये प्रॉब्लम है, माल वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में फंस गया है, ट्रांसपोर्टर माल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बायर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम है, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को कॉम्प्लेक्स बना देता है ना। तो ये थी हमारा जो मेन फीचर्स, मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये हमने जाना। उसके बाद में अपन को पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंस, कि भाई क्या ज़रूरत आ गई बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ने की। तो हमने जाना बिजनेस इन्वायरमेंट की, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कैसा है, अब हम जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट हम क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने की। तो आपको इतना तो आप मैच्योर हो ही गए होंगे कि आप समझ जाएं कि क्या ज़रूरत है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपन पढ़ रहे हैं, अपन देख रहे हैं इम्पॉर्टेंसेस, इम्पॉर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों पढ़ा जाए, इसका कोई तो जवाब होना चाहिए, क्यों हम इतना समय लगाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट के मेथड्स हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इस डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं, एक है अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज पहला चीज़ है, और दूसरा चीज़ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दो चीज़ें इसमें हैं, अपॉर्चुनिटीज और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और इसका कह रहा है कि इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़कर आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ये पता लगाने के बाद, इसके बाद आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, यू कैन टेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब समझिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप सपोज करते हैं कि आप एक क्लॉथ मर्चेंट हैं, क्लॉथ मर्चेंट आप हैं, आपको बता दिया जाए कि एक हुड वाली जो ड्रेस है, टोपी वाली जो हुड वाली ड्रेस छोड़ी चलिए, टोपी वाली जो शर्ट है वो अगले महीने फैशन में आने वाली है,
अगले महीने सब मतलब ये एक फिक्शनल सिचुएशन है, अगले महीने लोग और कोई भी प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेंगे, सारे के सारे लोग जो हैं वो टोपी वाली शर्ट डिमांड करेंगे। और सपोज करते हैं, एग्जाम्पशन लेते हैं कि टोपी वाली शर्ट प्रोड्यूस करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है, जिसका कंपनी का नाम है ए। सिर्फ एक कंपनी है, कंपनी ए, जो टोपी वाली शर्ट्स प्रोड्यूस करती है। अभी इसका फैशन नहीं है, आपको बता दिया गया कि अगले महीने से यही सिर्फ बिकेगा मार्केट में और कुछ नहीं बिकेगा, एक फिक्शनल सिचुएशन सपोज करते हैं। ये बात आपको पता चल गई और आपके 10 कंपटीटर्स को नहीं पता चली, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगले महीने मुझे टोपी वाली शर्ट बेचने का अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास रहेगा तो मैं टोपी वाली शर्ट अगले महीने में बेच सकता हूँ, ठीक है। ये आपके किसी कंपटीटर को नहीं पता चली, आपको पता चली तो आप क्या करेंगे, आप मूव करेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप लेंगे। आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे इस कंपनी के साथ और एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई आपकी कंपनी का आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए, आप मेरे अलावा अपना प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचिएगा, ऐसा मुझसे एग्रीमेंट कर लीजिए, मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूटर CNF जो भी है वो बना दीजिए। इसके हिसाब से क्या हुआ, अगर इसने सही सही एस्टिमेशन कर लिया कि अगले महीने से और कोई शर्ट नहीं बिकेंगे, सिर्फ टोपी वाले शर्ट्स बिकेंगे, और इस क्लॉथ मर्चेंट ने इस कंपनी से, जो एकमात्र कंपनी है टोपी बनाने वाली, टोपी वाली शर्ट बनाने वाली, इस कंपनी से इसने एग्रीमेंट कर लिया, तो इसको जो मिलेगा उसी को अपन कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसने एडजस्ट किया, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसने रिस्पॉन्ड किया और उसका इसको एडवांटेज मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। इसके बाद में आपने पहला इंपॉर्टेंस देखा, दूसरा इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जैसे देखिए, ये तो अभी हमने इसका पढ़ा कि इससे हमको क्या फायदा हम उठा सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट वर्कर, और फायदा उठाने का मैं आपको बता दूं दो तरीका होता है। एक होता है कि आप प्रॉफिट कमाइए, मतलब आपको प्रॉफिट बढ़ जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फायदा हुआ, और दूसरा हुआ कि लॉस घट गया, प्रॉफिट बढ़ गया या लॉस घट गया, इसको क्या अपन बोल सकते हैं फायदा हुआ। जैसे सपोज करते हैं कि आपको 1,00,000 रुपए का लॉस होने वाला था, ठीक है, 1,00,000 का आपको लॉस होने वाला था, आपका कोई इम्प्लॉई इस 1,00,000 के लॉस को 10,000 का लॉस करवा दिया, तो जो 90,000 का लॉस होने वाला था वो आपको बच गया, मतलब आपको 90,000 का फायदा हो गया, मतलब 90,000 का आपने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, लेकिन जो 1,00,000 का लॉस हुआ था वो 10,000 का ही हुआ, तो जो 90,000 का लॉस होने वाला था वो लॉस बच गया, मतलब इतना फायदा हो गया। वही चीज़ है, यहाँ पर हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज का फर्स्ट मूवर एडवांटेज से हमको फर्स्ट मूवर बेनिफिट मिल गया, लेकिन एक दूसरा भी इसका साइड है, एक दूसरा भी परसेप्शन है कि आने वाले समय में जो आपको लॉस हो रहा था या किसी चीज़ से आपको लॉस होने वाला था, उस लॉस को अगर आप एस्टिमेट कर लेते हैं अभी, उस लॉस के हिसाब से आप उस लॉस को आप अनुमान कर लेते हैं और उसके हिसाब से आप अपना जो काम है वो करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या है, लॉस से आप बच सकते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में 1,000 यूनिट टी-शर्ट्स, 1,000 यूनिट टी शर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, 1,000 यूनिट आपके पास में टी शर्ट्स हैं, और आपको पता चल जाए कि अगले महीने से मोदी गवर्नमेंट ने टी शर्ट पहनना बैन कर दिया है। चलिए टी शर्ट नहीं, इसको रखते हैं बुरका, इसको अपन मानते हैं, ठीक है, 1,000 यूनिट बुरका, क्योंकि टी शर्ट बैन करना थोड़ा इलॉजिकल है, मोदी गवर्नमेंट चाहे तो बुरका बैन कर सकता है, ना करे ऐसा मैंने बोलूंगा, और आई सपोर्ट एवरी रिलीजन, बट दैट्स अनदर पॉइंट। 1,000 यूनिट आपके पास में बुरका है और आपको कहीं से पता चल गया कि अगले महीने मोदी गवर्नमेंट ने बुरका बैन करने का डिसीजन लिया है, तो आप क्या करेंगे, आप तो चाहेंगे कि आपके पास जो 30 डेज हैं, जब लोगों को नहीं पता है कि बुरका बैन है, इस 30 डेज में आप अगर सारे यूनिट को बेच लेते हैं तो ये जो आपका माल बर्बाद होने वाला था वो बच जाएगा। या इससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे ध्यान में भी आया है, अभी क्या हुआ था, BS3 व्हीकल्स जो थी, जो गवर्नमेंट ने बैन की है, BS3 व्हीकल्स, BS3 एक ग्रेड है, पॉल्यूशन ग्रेड, इस व्हीकल्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो अगर ये आप और आपके पास सपोज करते हैं कि 1,000 बाइक्स थी जो BS3 कैटेगरी की थी, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया और आपको
एक महीने पहले पता चल जाएगी कि एक महीने बाद सडनली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो BS3 व्हीकल्स को बैन करने वाली है, तो आप क्या करेंगे? यू विल गो टू फर्स्ट मूवर बेनिफिट, आप यहाँ पर फर्स्ट मूवर बेनिफिट लेंगे। आप क्या है, आपको आने वाला लॉस का अनुमान पहले हो गया कि अगर मेरे पास ये 22 बच्चे की बच्ची रह गई तो मुझे लॉस लग जाएगा, मेरी पूंजी बर्बाद हो जाएगी, पूंजी फंस जाएगी मेरी। आपने क्या किया, 30 डेज के समय में, 30 डेज का जो आपके पास में टाइम था, इस 30 डेज के टाइम में आपने थोड़ा बहुत कम सम भी करके प्रॉफिट का जो 2000 मार्जिन था वो 500, 200, 300 करके भी आपने सारी 1000 बाइक को सेल कर दिया। तो आपके पास में जो डेड स्टॉक नहीं बचा, आपकी सारी पूंजी निकल गई, पूंजी पे इंटरेस्ट ब्याज बच गया, तो ये क्या है, आपके लिए फायदा। मतलब लॉस से बच जाना भी एक तरह का प्रॉफिट है ना। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा था, थोड़ा कम हुआ तो वो आपके लिए अच्छा है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि दूसरा इसका क्या बेनिफिट है। अब उसी के हिसाब से पहला जो हमने पढ़ा मूवर फर्स्ट मूवर बेनिफिट, उसी के हिसाब से आप रिसोर्सेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कंपनी से हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो भी रिसोर्सेज थे वो हमने पहले ही टैप कर लिया, पहले उस रिसोर्सेज को जैम कर लिया कि और कोई ना ले सके उस रिसोर्सेज को, तो वो एक प्रॉफिट हो गया हमारे लिए। उसके बाद में आता है एडजस्ट एंड अडैप्ट विद रैपिड चेंजेस। अब सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने GST लॉन्च कर रहा है, आपको पहले ही से GST के बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप पूरा पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अकाउंटेंट से समझ रहे हैं कि GST क्या है। तो क्या है, आप बिजनेस एनवायरमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उससे आपको ये फ़ायदा है कि आप जो रैपिड चेंजेस आगे आने वाली हैं उससे आप बच जाएंगे, उस रैपिड चेंजेस को आप समझ पाएंगे और उस चेंजेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करता है बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी, बिजनेस एनवायरमेंट का एनालिसिस। अब ये GST, ये बाइक्स का बैन होना, ये सब क्या है, ये आगे आने वाली चेंजेस हैं। तो इन चेंजेस को अगर आप इस्टीमेट कर लेते हैं, पहले ही से जान लेते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी करके रखते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी प्लानिंग सही होगी, आपकी प्लानिंग सही होगी तो आपका एग्जीक्यूशन सही होगा, आपकी एग्जीक्यूशन सही होगी तो आपका प्रॉफिट सही होगा। तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट पे फोकस करते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट पे फोकस्ड हैं, बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, तो ये सब फायदा आपको होने वाला है, होने जा रहा है। और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, पांचवा छठा पॉइंट जो है वो है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आप ये सब करते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लॉस जो होने वाला है उस लॉस से बच जाते हैं, फर्स्ट मूवर बेनिफिट लेते हैं, प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं, तो आपका जो है वो बेनिफिट जो है इन्हांस होगा, बेनिफिट इंप्रूव होगा। जो आपको 1 लाख का फ़ायदा होने वाला था वो 2 लाख का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने सब चीज़ ठीक से एडजस्ट किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक से रिस्पॉन्ड किया, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। आगे आने वाली वीडियो, इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, 28-30 मिनट की वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन देखेंगे कि डायमेंशंस क्या क्या है बिजनेस एनवायरमेंट का, टाइप्स क्या क्या है बिजनेस एनवायरमेंट के, उसमें हम जानेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, ये सब पॉलिटिकल एनवायरमेंट वगैरह इस क्या क्या होता है। उसके बाद में अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, एक सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था, एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट था जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था अपनी कंट्री में 1991 में। तो उसको आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स वगैरह में, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर थोड़ा सा उसका आउटस्कर्ट से होते हुए अपन चलेंगे घूमते फिरते। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, मेरे रिपोर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो एक बड़ा थम्सअप दीजिए, एक बड़ा लाइक दीजिए इस वीडियो को। कमेंट में आपके कुछ भी सवाल, सुझाव, डाउट्स, प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जो भी मेरे वीडियोस हैं, जो भी मेरे एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप उसको देखें, आप फ़ायदा उठा सकें उसका, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी उसका फ़ायदा हो सके। अभी अभी रिजल्ट आया है CBSE के क्लास 12th का, तो उसमें जो भी टॉप किया है रक्षा ने और जिन्होंने भी टॉप किया है उन सबको मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका भी अगर रिजल्ट आया होगा, फिर भी आप मेरी वीडियो को CA वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे घर में भी मेरी दीदी सी पास विद 88%, सो उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो 11th वाले हैं, जो 12th वाले हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक कि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए, आपका भी एक टाइम आएगा, आपके भी रिजल्ट आएंगी।
तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू सो मच।